हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 21 फरवरी 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिन्हें आपको नोट करते हुए चलना है। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपसे कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस थे बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, हेमंत दास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, सुनील छेत्री। पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार सुनील छेत्री को दिया गया है। वर्तमान में ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले 10,000 हॉर्स पावर वाले डीजल कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को किस स्थान पर भेजा गया है? ऑप्शंस हैं कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली या फिर भोपाल। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, वाराणसी। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने दुनिया में पहली बार डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में परिवर्तित करके इतिहास रचा है। इस सभी नए परिवर्तित ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक इंजन को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। भारतीय रेलवे का कहना है कि यह पूरी परियोजना का भारतीय अनुसंधान एवं विकास नवाचार है। अब इसको वाराणसी से भेजा गया है, तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं। देखिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसकी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं श्री राम नाइक। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 908 महिलाएँ प्रति हज़ार पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 67.68%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 77.28% और महिला साक्षरता दर है 57.18%। ये उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नई दिल्ली। भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के द्वारका में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और LG अनिल बैजल द्वारा साइबर रोकथाम जागरूकता जांच और केंद्र और राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया गया। स्कूली छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक लोकप्रिय ट्विटर हैंडल को भी जारी किया है जिसका नाम है @cyberdost। ये ट्विटर हैंडल है। अब इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, तो हम मैप देखते हैं। देखिए मैप, और इसमें ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से नई दिल्ली भारत का 31वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित राज्यों में सबसे पहला राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 866 महिलाएँ प्रति हज़ार पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 86.21%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 90.94% और महिला साक्षरता दर है 80.76%। ये दिल्ली के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा राष्ट्र बन गया है? ऑप्शंस हैं 70वां, 71वां,
72वां या फिर 73वां। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 73वां। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां राष्ट्र बन गया है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा ISA का अनावरण किया गया था। यह कदम जो हस्ताक्षर हुए हैं वर्तमान में, यह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा पर किया गया है। अब सऊदी अरब का मैप देखते हैं। देखिए यह है वर्ल्ड मैप और इसमें सऊदी अरब, यह है सऊदी अरब जिसकी कैपिटल है रियाद, यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। थीम फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। थीम इंपॉर्टेंट होती है, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शंस हैं लेखक, पत्रकार, निर्देशक या फिर खिलाड़ी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, लेखक। देखिए यही है नामवर सिंह जिनका निधन हो गया, ये लेखक थे, प्रख्यात हिंदी लेखक थे और इनका 92 वर्ष की आयु में दिल्ली में इलाज चल रहा था एम्स में, वहाँ इनका निधन हो गया। नामवर सिंह JNU के भारतीय भाषाओं के केंद्र के पहले अध्यक्ष भी थे। इन्होंने कविता के नए प्रतिमान, छायावाद और दूसरी परंपरा की खोज सहित दर्जनों पुस्तकें भी लिखी हैं। 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें साहित्य आलोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस पूर्वी एशियाई देश ने विमानन क्षेत्र में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं जापान, सिंगापुर, चीन या फिर थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सिंगापुर। सिंगापुर देश ने विमानन क्षेत्र में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत बेंगलुरु और देश के अन्य स्थानों पर अकादमियों की स्थापना की जाएगी। ये अकादमी घरेलू एवं विदेशी विमानन क्षेत्रों में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्थानीय हब के रूप में कार्य करेंगे। अब ये समझौता सिंगापुर के साथ हुआ है, तो हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें सिंगापुर यहाँ पर होगा। सिंगापुर, यहाँ की कैपिटल है सिंगापुरी डॉलर और यहाँ की कैपिटल है सिंगापुरी सिटी, सिंगापुर सिटी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब, यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। ये सिंगापुर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने भारत के साथ परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मैक्सिको। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना ने द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों, वैश्विक आतंकवाद समेत अनेक विषयों पर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की और दोनों देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग को गहरा बनाने के लिए 10 सहमति पत्र को अंतिम रूप भी दिया है। अब यह समझौता अर्जेंटीना के साथ हुआ है। सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए यह है वर्ल्ड मैप और इसमें अर्जेंटीना यहाँ पर है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, यहाँ की करेंसी है पेसो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माउरिको मैक्री, माउरियो मैक्री यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संगठन ने भारत के बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के लिए 11,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शंस हैं IMF, ब्रिक्स बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत के 18 राज्यों में 733 बड़े बांधों की सुरक्षा और उनके परिचालन में सुधार के लिए भारत को 11,000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी है।
2020 के बाद से शुरू होने वाले चरणों के लिए इस धन का उपयोग जारी पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। विश्व बैंक के निदेशक एस मसूद हुसैन ने भुवनेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के द्वितीय और तृतीय चरण के दौरान 700 से अधिक बांधों के पुनर्वास के लिए 11,000 करोड़ रुपए प्रदान करने के प्रस्ताव की स्वीकृति की पुष्टि की है। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके सीईओ हैं फिलिप ली होरियो, इसके अध्यक्ष हैं जिम योंग किम और इसकी स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निकोल डेविड ने संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वैश या फिर टेनिस। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, स्क्वैश। निकोल डेविड ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वे स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। मलेशिया की 8 बार की विश्व चैंपियन निकोल डेविड ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और वे 35 वर्ष की हैं। अब तक की सबसे सफल स्क्वैश खिलाड़ियों में से वह एक हैं। 2006 से 2015 तक वह लगातार 9 वर्षों तक विश्व की नंबर एक खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। अपने 8 विश्व चैंपियनशिप जीत के अलावा उन्होंने 5 ब्रिटिश ओपन खिताब, 2 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, 5 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 3 विश्व खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आज का क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं उदयपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज के यानी कि 21 फरवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस थे। आप इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च कर सकते हैं सक्सेस विद राय एकेडमी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।